मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर कोई शख्स स्कूल में टीचिंग करेगा और वह किसी मजहब से भी ताल्लुक रखेगा और वह अपने मजहब को ज्यादा प्रायोरिटी देगा कंपेयर टू अदर टीचर, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर नहीं चलेगा कि साइंस से पहले धर्म को प्रूफ करें, तो ये तो थोड़ा सा गलत नहीं होगा? शायद आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई पढ़ाई करता है और उसके दिमाग में ये बात है कि हमारा जो धर्म है वो साइंस से ऊपर है, तो ये तरीका जो है ठीक नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, काफी हद तक यही, मतलब मेरा टोटल क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म पर धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देगा कंपेयर टू किसी और अदर सब्जेक्ट के, तो वो साइंस की जगह धर्म को पहले प्रूफ करने की कोशिश करेगा, तो ये चीज थोड़ी सी गलत नहीं हो जाएगी नहीं, ये फ्यूचर उन के लिए? लोगों के लिए प्रॉब्लम तो आएगा जिनको ये लगता है कि साइंस उनके धर्म से टकरा रही है, तो शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो, पर मुसलमान के लिए क्या प्रॉब्लम है? हमारे लिए साइंस का ऐसा कोई टकराव का सूरत हाल है नहीं कि हमारे लिए लगे कि साइंस हमारे धर्म से टकरा रही हो। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई उस्ताद से साइंस पढ़ा रहा है तो उसको साइंस पढ़ाना चाहिए, जो धर्म पढ़ा रहा है उसको धर्म पढ़ाना चाहिए। साइंस और धर्म का आपस में कोई टकराव वाली सूरत हाल नहीं, इस्लाम और साइंस की कोई टकराव वाली सूरत हाल नहीं है कि साइंस पढ़ने वाला इस्लाम से दूर हो जाएगा या इस्लाम पढ़ने वाला साइंस से दूर हो जाएगा। तो जिनके मजहब में टकराव है उनके लिए तो प्रॉब्लम है कि वो कैसे जो है ना दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, हमारे लिए तो कोई टकराव है नहीं, तो हमारे लिए मसला नहीं है। साइंस भी पढ़ाइए इस्लाम भी पढ़ाइए, हमको तो ये लगता है साइंस पढ़ा करके लोग इस्लाम के करीब आएंगे, हम तो इस पूरी हाँ, उम्मीद के इतनी साथ है कि बात जितना जरूर बंदा है, साइंस पढ़ेगा उतना इस्लाम के करीब आएगा इंशाल्लाह। इतनी बात जरूर एग्जैक्टली है कि एग्जैक्टली बात, साइंस, जब साइंस पढ़ाने के बजाय धर्म, साइंस अपना धर्म जब बताने लगती है तो वहां फिर टकराव हो सकता है। साइंस अगर साइंस में रिसर्च फिर रिसर्च फिर रिसर्च फिर रिसर्च तब तो ठीक है, लेकिन जब साइंस अपना धर्म बताने लगती है चाहे वो इस बात में हो चाहे नफी में हो, हाँ, तब फिर वहां मसला जी होता है, कोई टकराव नहीं है। नहीं, जैसा अभी नामज्ञान का सरफराज साहब ने कहा कि और मजहब और मजहब और मजहब, उन्होंने कई बार लफ्ज का इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है ये अपने मजहब को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू, और साइंस और इस्लाम जो जितना मैंने स्टडी किया है भाई प्लस जो चीजें प्रायोरिटी इस्लाम देने की ने बात ऐड वहां की आती है जहां टकराव हो ना, जहां टकराव नहीं वहां प्रायोरिटी की बात ही नहीं आती है। तो हम कहने की जिस मजहब जिसको लगता हो कि उसका मजहब साइंस से टकरा रहा है वो प्रायोरिटी देगा, तो जिसको लगता ही नहीं कि उसका है। मजहब नहीं, साइंस से टकरा रहा है उसको प्रायोरिटी देने की मसला ही नहीं आएगा उसका। और साइंस का टीचर साइंस पढ़ाए, हम थोड़ी कहते हैं कि साइंस का टीचर जा करके नमाज पढ़ाएगा क्लास में जा करके, वो तो फिर अपनी तदरीस के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। साइंस का टीचर जाए साइंस पढ़ाए और इस्लाम का टीचर जाके इस्लाम पढ़ाए। नहीं, बहुत सारी चीजें जो अपने इस्लाम में है वो भी तो विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है, हर चीज स्पिरिचुअल के ऊपर या साइंस के ऊपर बेस थोड़ी ना है, और जो विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है वो तो एक ना एक टाइम बाद जरूर गलत हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ईसा मसीह ने कहा था कि धरती चपेट है, अब उस जमाने में ये बात प्रूफ थी कि हाँ धरती चपेट था, लोग मानते थे इस बात को। अपने महावीर जैन ने कहा था कि चांद पे देवताओं का वास है, लेकिन आने वाले टाइम में दोनों की बातें गलत साबित हुई क्योंकि वे दोनों ही बातें विजुअलाइजेशन पे बेस्ड थी, तो इस्लाम में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो विजुअलाइजेशन पे बेस्ड हैं, इसीलिए और मैंने आने कहा वाले ना टाइम में आपसे कि जिसका धर्म साइंस से टकरा रहा उसके लिए प्रॉब्लम है कि वो धर्म को तरजीह दे, धर्म को प्रायोरिटी दे या साइंस को प्रायोरिटी दे। जिसका धर्म टकरा ही नहीं रहा साइंस से उसको क्या मसला है, वो जी उसको मैं प्रायोरिटी देने का मसला उनको आएगा जिनका टकरा रहा हो, हमारा टकरा नहीं रहा तो हमको हमारे लिए प्रायोरिटी देने का मसला ही नहीं है। और हम ये सही बोलते हैं जिसको साइंस पढ़ाना है वो साइंस पढ़ाए, जिसको धर्म पढ़ाना है वो धर्म पढ़ाए, धर्म पढ़ाने वाला साइंस पढ़ाएगा या साइंस पढ़ाने वाला धर्म पढ़ाएगा तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। और फर्दर मैं एक बात ये बताना शेयर करना चाहता हूँ अमन भाई, हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है व्हाई इस्लाम 100 रीजंस, तो आप इसमें जरूर ज्वाइन करिए। ये इस संडे से स्टार्ट हो रही है, संडे रात 9:30 बजे इंशाल्लाह मैं उसके फर्स्ट प्रेजेंटेशन दूंगा, तो आप जरूर आइए और आप देखोगे कि कितने सारे ऐसी चीजें हैं जो साइंस को बाद में पता चला कुरान में पहले से है, और कितने सारे 100 रीजंस मैं अलग अलग शेयर करूंगा, उसमें से वन ऑफ द रीजन सिर्फ एक रीजन साइंस है, उसके अंदर तो बहुत सारे हैं। लेकिन साइंस के अंदर हम ये भी जानते हैं कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ऑब्जर्व नॉलेज, और हमारा मानना है कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है वो हर चीज का जानने वाला है, अला यालमु मन खलक, क्या बनाने वाला नहीं जानेगा, तो वो तो जानता ही है ऑब्वियसली। और जब वो हर चीज जानता है, जो कुरान के अंदर जो वर्ड्स है वो उसके परफेक्ट नॉलेज के बेसिस पर है, ये जो बातें हम बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं कि हमारा रिलीजन, ये इसलिए कि कोई ना कोई चीज रियलिटी होती है, इंसानों के रास्ता बताने के लिए आई गई है, आई है वो चीज, और वो है आखिरी पैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हें जो किताब कुरान मिली। तो आप जरूर स्टडी करिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप देखोगे कि जो आपके माइंड में है कि ऐसा होगा वैसा कुछ है नहीं, क्यों नहीं नहीं, है, इनके क्योंकि माइंड में क्या है वो अपनी जगह पर ना हिस्ट्री उठाइए, क्या इस्लाम ने जो साइंटिफिक जहन था वो खत्म कर दिया,
आप तारीख देखिए और उठा करके बताइए कि क्या किया इस्लाम ने, क्या साइंटिफिक जहन को खत्म किया या साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया? इस्लाम जब फैला दुनिया के अंदर तो क्या साइंसदान खत्म हो गया, साइंसदानों को तरक्की मिली? क्या मुसलमानों में साइंसदान पैदा नहीं हुए? जिस यानी आप जो इनलाइटमेंट का दौर बोलते हैं यूरोप का, वो इनलाइटमेंट आया कहां से था? वो तो आया था मुसलमानों के हवालों से। हाँ, जो डार्क एजेस यूरोप के थे उस वक्त तो मुसलमान अपने तारीख में साइंसदान पैदा कर रहा था जब यूरोप अपने डार्क एजेस से गुजर रहा था। वहां जो इनलाइटमेंट की तहरीक शुरू हुई वो तो मुसलमानों के अपने मरहूने मिन्नत थी, उनका उनके उनके इल्म की रोशनी में आई है। तो आप इस्लाम तो साइंटिफिक जहन को तरजीह देता है, कुरान मजीद बार बार जो है ना वो लॉजिक इस्तेमाल करने की बात करता है, और ये जो है ना ये मैंने ये कहा कि इस्लाम ने आने के बाद क्या साइंटिफिक जहन खत्म कर दिया लोगों का, या साइंटिफिक अप्रोच को इस्लाम ने अप्रिशिएट किया? क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि पहले लोग साइंसी और जहन था लोगों का, और इस्लाम ने आने के बाद जो है ना वो साइंसी जहन खत्म कर दिया, या जब इस्लाम बढ़ा तो उसके साथ अरब के अंदर या जिन जिन इलाकों में इस्लाम पहुंचा वहां साइंसदानों की और अलग अलग फील्ड में जो नॉलेज की फील्ड्स थी उनमें माहिरीन की तादाद बढ़ गई, क्या हुआ उसमें? थेल्स ईसा से पहले आ चुके हैं और ईसा से पहले इब्राहिम आ चुके हैं, बहुत सारे, चलो यूरोप की बात करी जाए, चलो वो तो छोड़ो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजों पर तो कॉन्ट्राडिक्टिंग होगी, जब कोई व्यक्ति एक ही धर्म को प्रायोरिटी देके सब लोगों को आप ये वर्ल्ड व्यू लेके चल रहे हैं कि इंसान इंसान, इंसानों के बनाए हुए सिस्टम्स, इंसानों की बातें। हम जो बात कर रहे हैं कि एक क्रिएटर है जो साइंटिस्ट से पहले उस साइंस को जानता है, क्रिएटर, और वो क्रिएटर जो बात बोलेगा, वो जो उसने जो बात बताई वो कॉन्ट्रोडिक्ट, वो परफेक्ट इल्म के बेसिस पर है, जो सही बात को कभी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करेगी। हाँ, साइंस के अंदर भी ऐसे सुपरसीडेड थियोरीज होती है जो चेंज होती है टाइम एंड अगेन, और ये चीज के बारे में एक डिटेल है। और सही बात है कि साइंस के बारे में जो लोग समझते हैं ना, साइंस एक इमूवेबल चीज है, साइंस ने बोल दिया यानी कि वो पत्थर की लकीर हो गई, खुद ये बात साइंटिफिकली सही नहीं, बात नहीं है, बात ये। हाँ, तो आप अगर मिसाल के तौर पे अगर सर्च करोगे कि सुपरसीडेड थियोरीज इन साइंस, ये मैं विकिपीडिया पेज खोला हूं, तो आप देख सकते हो कि साइंस के अंदर हर फील्ड ऑफ नॉलेज में, बायोलॉजी हो या आप केमिस्ट्री हो, आप देख सकते हैं कितनी सारी सुपरसीडेड थियोरीज है, यानी थियोरीज जो एक जमाने में सही मानी जाती थी बाद में आगे साबित हुआ कि गलत थियोरी है। तो खुद साइंस साइंस के खिलाफ जा सकता है, और ये इसलिए कि साइंस के अंदर खुद ये कंफर्म्ड चीज नहीं है कि कंफर्म्ड सिस्टम की ये आ गया, ये पत्थर की लकीर हो गया। ये साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे लोग करते हैं ये सारी सुपरसीडेड थियोरीज की बात है। और लेकिन जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये क्रिएटर की बात कर रहे हैं जो हर चीज का जानने वाला है। तो चलिए, एक अच्छा डिस्कशन हुआ अमन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग।